नमस्कार, अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ 43 बस स्टैंड पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। तो आपको बता दें कि एक अलर्ट आया है, जी हाँ अलर्ट आया है, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि मोहाली और चंडीगढ़ बस स्टैंड पे एक बड़ी आतंकी हमला हो सकता है। तो उसको देखते हुए अगर हम कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, सभी बस स्टैंड पे, सभी अलग अलग जगहों पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की भी लापरवाही ना हो, जी हाँ। तो उसको लेके हर बस जो आ रही है उसको लेके छानबीन की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि अलर्ट ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसकी तरफ से एक बड़ा आतंकी हमला करने की बात की गई है, जिसमें टारगेट में पंजाब है, पंजाब का मोहाली बस स्टैंड और चंडीगढ़ का बस स्टैंड, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई कभी भी कर सकते हैं और वो कार्रवाई एक आतंकी हमला होगी। तो अब ये इस चीज़ को देखते हुए एक बड़ी, अगर हम कहें कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सेंटर की सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जानकारी पंजाब को भेज दी गई है, चंडीगढ़ को भेज दी गई है और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस में अलर्ट कर दिया गया है, सारी तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की भी लापरवाही यहाँ पे देखने को ना मिले। तो हमारी आपसे अपील है कि अगर आप बस स्टैंड हैं या उसके आसपास हैं और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ संदिग्ध नजर आती है, चाहे आपको शक ही लगे, तो प्लीज पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि अलर्ट्स आए हुए हैं और माहौल जैसे कि एक बड़ी आतंकी गतिविधि का है। तो इसलिए हमारी आपसे भी अपील है कि कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके आप अलर्ट रहें और अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी जानकारी या कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें। देखिए पुलिस को इन्फॉर्म करें और ये कोशिश करें कि इससे आपकी भी सेफ्टी रहेगी और आपके परिजनों की भी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि बस स्टैंड एक बहुत ज्यादा एक्टिव जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग लगातार मूव करते हैं। तो पुलिस की तरफ से, अपनी तरफ से सख्ताई कर दी गई है, पुलिस फोर्स लग चुकी है, कमांडोज खड़े हैं, बसेस की चेकिंग हो रही है।